हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल बिलीव मी योर ब्यूटीफुल बाय सिमी। कैसे हो आप सब? मैं आज आपके लिए लाई हूँ माँ भगवती के मैसेज, आपके लिए कि माँ भगवती आपसे क्या चाहती हैं। रामनवमी का दिन है तो माँ भगवती आपसे क्या चाहती हैं, ये मैसेज हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए ये मैसेज। तो सबसे पहले मैं एनर्जी ओरेकल डेक से लूँगी, इससे माँ भगवती के मैसेज आपके लिए क्या है। ओ सारे कार्ड एकदम से जा रहे थे मेरे हाथ से। कंप्लीशन, ओ मुझे ऐसा लग रहा है पिछले कुछ दिनों में, कोई ज्यादा दिन नहीं हुए, पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों पहले ही किसी की डेथ हुई है आपके घर में और आप बहुत ज्यादा अपसेट हो। या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि बहुत साल बीत गए, किसी की डेथ हो गई और ऐसे ऐसी किसी इंसान की डेथ हुई है जो आपके जीने का सहारा था। सो सॉरी, मुझे ऐसे लग रहा है वो आपका लाइफ पार्टनर था, किसी के लिए ये मैसेज था। और आप आज महसूस करते हो कि आप बहुत अकेले हो गए हो, आपके साथ कोई नहीं, शायद आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि शायद आप जिससे प्यार करते थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और आपको आजकल उनकी बड़ी याद आती है, विजडम। लेकिन आपको एक बात बोलूं, अगर आप मम्मी हो और आपके हस्बैंड की डेथ होगी और आपके बच्चे हैं, या आप प्रेग्नेंट हो और कुछ दिन पहले अगर आपके हस्बैंड की डेथ हुई है, देखिए वो हर समय आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि आपको खुशियां मिलें। दोनों मैसेज एक दूसरे से मिलते हुए आए हैं। यूनिवर्स आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। और जो भी आपके एंसेस्टर हैं, कुछ लोगों के मदर फादर हो सकते हैं, आप छोटी एज के हो, मुश्किल से 20 या 22 या 25 साल के हो, भी कुछ लोगों के लिए है ये मैसेज। पता नहीं किस किस की एनर्जी से मैं ट्यून इन हो रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ है, किसी की डेथ हुई है जिसकी वजह से अगर किसी को सालों भी बीत गए हैं तो आज आप उनको बड़ा मिस कर रहे हो, जबकि आपके पास कोई कमी नहीं है किसी चीज की, बट आपको अकेलापन बहुत दुख दे रहा है। कहीं ना कहीं आप खुद को दोषी समझते हो कि मैं ही गलत हूँ, मेरी वजह से ही ये सब जिंदगी में हुआ है। लेकिन भगवान कह रहा है कि ऐसा नहीं है, तुम जिनको याद करके रो रहे हो, अगर तुम दुखी रहोगे, माँ भगवती के मैसेज हैं, अगर तुम दुखी रहोगे तो वो तुम्हें देख के दुखी होंगे क्योंकि वो तुम्हारे लिए प्रेयर्स कर रहे हैं। तो अपने आप को दोषी मत समझो। डेस्टिनी में यही लिखा था, अगर आप दोनों बिछड़ गए हो, कोई भी जो आपकी जिंदगी से चले गए हैं, जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए स्पेशल मैसेज है, उनको सोच के आपने दुखी नहीं होना। डेस्टिनी में यही लिखा था, किस्मत में तो ये होना था, अब इसको स्वीकार करो आप। और कुछ लोगों के लिए, अगर आप अपने किसी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, आप लोग अलग हो गए हो, तो ये डेस्टिनी के मैसेज थे। और अभी आगे और देखते हैं। एक्सेप्टेंस, आपको एक्सेप्ट करना है कि आप हारे नहीं हो, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, पूरा कायनात आपके साथ दे रही है फसाद। देखा, कुछ लोगों में झगड़े हुए हैं और आजकल आपके ये 8-9 दिन बहुत डिप्रेशन में बीते हैं, आप पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात रोए हो। कुछ लोग नवरात्रों में, आप लोग कुछ लोग नवरात्रे नहीं रख सके, जो नवरात्रे रखते हैं आपने बहुत दुआएं मांगी हैं, माँ मैंने क्या बुरा किया था, माँ मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, माँ क्या आप मेरी माँ नहीं हो, क्या आप मेरी सुनती नहीं हो, क्या आपको मेरा दर्द दिखाई नहीं देता जो मुझे हर इंसान धोखा देता है, जिसको मैं अपना समझती हूँ वही मुझे अकेला छोड़ देता है, ऐसा क्यों है माँ मेरे साथ। कुछ बातें तुम्हें अंदर तक खुद को ट्रिगर करती हैं, यस मेरी ही गलती थी, शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैंने ही गलत किया, लेकिन भगवान कह रहा कि नहीं, तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हारी लाइफ में कुछ और अच्छा लिखा हुआ है। तो जो टाइम अभी बीत रहा है इसको जाने दो, अगर कोई हमसे दूर हो रहा है जाने दो, पीछे नहीं जाना किसी के। और यूनिवर्स उन लोगों को ला के तुम्हारे कदमों में दोबारा खड़ा करेगा जो तुम्हें चीट कर रहे हैं, जो तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, वो लोग तुम्हारा कुछ नहीं, एक्सपेंशन। और कुछ लोगों ने बहुत कुछ किया है, अपने बच्चों के लिए भी बहुत कुछ किया है, आपने अपनी पूरी लाइफ दी है, लेकिन बच्चे तो क्या, कोई भी पर्सन जिसके लिए आपने हद से ज्यादा किया है उसी की वजह से आज आप दुखी हो, बहुत ज्यादा दुखी हो। फेथ, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का तो विश्वास ही डगमगा गया यूनिवर्स से, लेकिन
लेकिन माँ भगवती कह रही हैं कि विश्वास रखो, जो भी तुम्हारे साथ इम्पार्शियलिटी हुई है, जो भी लोगों ने तुमसे झूठ बोले हैं, जो भी लोगों ने तुम्हें दुख दिए हैं, वो सब तुम्हारी जिंदगी में एक बार आके तुमसे माफी मांगेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए लोगों ने जो भी कुछ किया है, हो सकता है कुछ लोग गॉसिप करते हैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में, कुछ लोग बिल्कुल अकेले रह गए हो तुम लोग, लोग खुश होते हैं कि देखो आज इसकी जिंदगी में ये हो गया, देखो आज इसके साथ ये हो गया, आज ये बिल्कुल अकेली हो गई, इसका पति भी मर गया या इसकी पत्नी मर गई। तो ऐसा मत सोचो, क्योंकि ऐसी रीडिंग मैंने सोचा नहीं था आएगी। माँ भगवती का मैसेज है आपके लिए कि तुम्हारी जिंदगी में ग्रोथ होगी। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां कर रहे हैं ना, उनका जवाब यूनिवर्स उनको देगा। एंजल्स, एंजल्स विद गॉड, आपके गुरु, आपके प्रभु हर समय आपके साथ हैं। आपको आइसोलेशन में नहीं रहना, आपको फेथ करना है, आगे बढ़ना है लाइफ में। क्या हो गया कि सिंगल मदर हो, क्या हो गया? सिंगल मदर भी बच्चों को पाल सकती है। मैंने भी पाला अपने दो बच्चों को, तो ऐसा नहीं कि सिंगल मदर बच्चे नहीं पाल सकती, सिंगल मदर भी पाल सकती है बच्चे। स्ट्रोंग बन सकते हो आप लोग। तो इसलिए दुनिया की बातों के आगे झुकना नहीं, दुनिया की बातें सुन के अपने दिल को दुख नहीं देना, आगे बढ़ो, हिम्मत रखो, कंफ्यूजन में नहीं रहना, आगे बढ़ो। अकेला इंसान भी बहुत कुछ कर सकता है। अभी मैं ले रही हूँ ओशो डेक से माँ भगवती के मैसेज। माँ ने स्पेशल मैसेज दिए, तुमने खुद को जिम्मेवार नहीं समझना। जो चले गए सो चले गए, और जिनको गलतियों का एहसास होगा वो वापस खुद आएंगे तुमसे क्षमा याचना मांगने के लिए। तुमने कुछ गलत नहीं किया, ये अपने दिल को समझा लो आप लोग। गाइडेंस, आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है, गाइड कर रहे हैं यूनिवर्स आपको। और आप लोग इस वीडियो में एक चीज फोकस करोगे कि जो पीछे मेरे टैरोट कार्ड पड़े हैं ब्लू डेक के ऊपर, उनमें से एक रोशनी निकल रही है। मेरी भी वीडियो के ऊपर ही नजर गई है एकदम से। ये यहाँ ये देख रहे हो, ये डेक पड़ा हुआ है और इसमें कितनी रोशनी एकदम से पड़ रही है। मुझे पता नहीं रिफ्लेक्ट ही है, लाइट का हो सकता है, लेकिन एकदम से मेरी वीडियो पे नजर गई तो मैंने देखा। चलो एंजल्स हैं भैया, एंजल्स हैं मेरे आसपास, हमेशा रहती हैं। गाइडेंस, माँ भगवती की कृपा, माँ भोलेनाथ की कृपा है आप पे, बजरंग बली की कृपा है आप पे, आपके अल्लाह की कृपा है आपके आपके ऊपर, वाहेगुरु की कृपा है। तो अकेले कहाँ हो तुम? आपको मिनट मिनट में गाइडेंस दी जाती है। बी स्ट्रोंग, आगे बढ़ो, द रेबल। कुछ भी हुआ है जिंदगी में, आगे बढ़ जाओगे आप लोग, हारमोनी आएगी आप लोगों की लाइफ में, थर्ड आई चक्रा ओपन होगा आप लोगों का भी, आपको भी पूर्ण गुरु मिलेंगे आपकी लाइफ में। ढूंढो एक्सेंस, अपने आप को बिल्कुल हल्का फील करो, बर्डन मत फील करो। ये सोचो जो हो रहा है यूनिवर्स की कृपा से हो रहा है, जो हो रहा है यूनिवर्स कर रहा है। हम तो अपनी मर्जी से अगला सांस नहीं ले सकते, तो हम किस बात का अहंकार करें, किस बात से दुखी हों, किस बात से खुश हों? हमारी तो डोर उसके हाथ में है। तो हम तो यही कह सकते हैं, अगर आपको हील होना है ना, तो जो दुख सुख इन सबसे निकलने के लिए बस ये बोलो कि यूनिवर्स जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपके, अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना आप लोगों ने, परेशान नहीं होना, रोना नहीं है। बी स्ट्रोंग, आगे बढ़ना है। रिसेप्टिविटी, एक्सेप्टेंस के ऊपर ही ये कार्ड आया। एक्सेप्ट करो जो भी यूनिवर्स कर रहा है, ये डेस्टिनी का हिस्सा था और ये होना ही था। मुझे दुख इस बात का हो रहा है, द मास्टर, ये देखा, वो गुरु, वो भगवान, वो ईश्वर जिन पे आप बिलीव करते हो, वो हर समय आपके साथ हैं, जैसे मेरे साथ मेरे गुरु। तो वो यूनिवर्स, वो गुरु आपके हमेशा आपके साथ है, वो एंजल्स की सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। अंडरस्टैंडिंग, अब वो लोग भी अंडरस्टैंड हो जाएंगे जो आपको दुख टॉर्चर तकलीफें देते आए हैं आज तक। इंटेंसिटी, रिन्यूअल के ऊपर इंटेंसिटी, किसी भी चीज को इतना मत खींचो कि वो बीच में से टूट जाए, और अपने दिमाग को भी इतना मत तकलीफ दो कि दिमाग की नसें स्ट्रेस हो जाए और फिर माइंड की दवाइयां खानी पड़े। द विजन, अपना विजन क्लियर रखो, कुछ विजन बनाओ लाइफ का, आए हैं और चले जाएंगे यही सोच के मत जीते रहो,
कुछ ऐसा करो कि दुनिया आपको जाने। एग्जॉशन बहुत ज्यादा, गॉसिप, लोगों की सुन सुन के बातें परेशान हो, ऑर्डिनरीनेस फील हो रहा है कि मेरी, मैं तो कुछ हूं ही नहीं दुनिया में, मैं अकेला रह गया, मैं अकेली रह गई, मेरा कोई नहीं रहा। लेकिन माँ भगवती कहती हैं कि तुम्हारे साथ तो सब कुछ है। पॉलिटिक्स खेली लोगों ने, सेम टू सेम कार्ड, नीचे भी यही कार्ड, मिस्टिसिज्म पॉलिटिक्स। लोग कुछ और थे पर तुम कुछ और समझ रहे थे, धोखा खाया भैया अपनों से तुम लोगों ने। साइलेंस हो, अभी बिल्कुल साइलेंस हो गए हो, कुछ बोलते नहीं हो, लेकिन ज़्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं होता। मैच्योरिटी लेवल अब आप लोगों में आ गई है और अब लोग, आप बहुत समझदार हो गए और द आउटसाइडर फील करते हो। नहीं, जब आपके साथ आपके गुरु हैं, जब आपके साथ पूरा ब्रह्मांड है, भोले शंकर हैं, माँ गौरी है, बजरंग बली हैं, जब सब आपके साथ हैं तो फिर आप अकेले कैसे हो सकते हो ना, आप अकेले नहीं हो। रामनवमी के कह के मैंने आज स्पेशल रीडिंग की थी आप लोगों के लिए, जो जो दुख तकलीफ है ना, इस सब में से आप निकल जाओगे, उसमें से निकालेंगे आपके प्रभु, आपकी इनर वॉइस। जब आप ऊपर यूनिवर्स से जुड़ोगे तो अपने आप को आउटसाइडर कंफ्यूजन, सेम टू सेम का डेक पे साइड पे आया। अब मैं टैरो से देखती हूँ माँ भगवती के मैसेज आपके लिए क्या है। सेवन ऑफ वैंड, लोगों ने रास्ते बंद कर दिए, लोगों ने ये सोचा है कि नहीं, इसकी जिंदगी की सारी खुशियां हम बंद कर देंगे। फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, लेकिन आप वो हो, कभी हारने हारोगे नहीं आप, आपको कभी कोई किसी चीज की कमी नहीं होने देगा यूनिवर्स, ये भी यूनिवर्स ने कसम खाई हुई है। सिक्स ऑफ पेंटिकल, बहुत जल्दी जॉब ऑफर होने वाली है आपको, और जिन लोगों ने आज तक आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया वो करेंगे। ओ माई गॉड, एक डेक का इस कार्ड में इन टर्निंग इन, यूनिवर्स से जुड़ना पड़ेगा आप लोगों को। आप बाहर खुशियां तलाश कर रहे हो, बाहर खुशियां मिलेंगी नहीं जब तक आप अपने अंदर नहीं देख लोगे उस यूनिवर्स को, जब तक आप बंद आंखों से उस रोशनी को नहीं देख लोगे, जब तक आप थर्ड आई चक्र ओपन नहीं हो जाएगा, तब तक आप अपने आप को हील नहीं कर पाओगे। द लवर्स, प्यार का इंतजार कर रहे हो, प्यार आएगा लाइफ में, माँ ने बोला है आएगा तेरी जिंदगी में भी ऐसा इंसान जो तुझे सच्चे दिल से प्यार करेगा। सिक्स ऑफ वैंड, विक्ट्री का कार्ड, पेशेंस रखोगे जीत जाओगे। द मास्टर्स, एट ऑफ पेंटिकल, इतना कमाओगे आगे जाके लाइफ में कि लोग सोचेंगे ये क्या से क्या हो गया, हमने तो इसे नीचे गिराना चाहा था, ये तो और ज्यादा ऊपर उठ गया। टेन ऑफ कप, सेलिब्रेशन, यूनिवर्स कहेगा तेरी सारी विशेस पूरी करूंगा मैं, कोई विश अधूरी नहीं रहने देनी मैंने तेरी, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। सिंगल मदर हो कोई बात नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हें कोई चीज की कमी हो जाए, तुम्हें खाना ना मिले, ऐसा नहीं होगा। द स्टार, बिकॉज यू आर स्टार, और स्टार तुम्हारी सारी विशेस पूरी करेंगे, जो तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सब होगा। नाइन ऑफ कप, इतना पैसा कमाओगे एक दिन लाइफ में कि खर्चते समय सोचोगे भी नहीं आप लोग। सेवन ऑफ वैंड, जिन लोगों ने आपसे दूरियां बनाई थी वो खुद अब आपसे मिलने आएंगे, अभी तक जिन लोगों ने आपको ब्लॉक किया होगा वो खुद बात करेंगे आपसे, आएंगे आपके पास, वो बात करेंगे आपसे, अभी आपको ब्लॉक किया हुआ है ना इन लोगों ने। फाइव ऑफ पेंटिकल, बहुत से लोगों ने इतना विवश कर दिया कि आप अपने देश से दूर, अपने शहर से दूर, अपने घर से दूर चले गए, लेकिन मेरा दावा है कि आपको वहां जाके भी सक्सेस मिलेगी। टू ऑफ कप, विक्ट्री है ये भी, अपने आप से प्रॉमिस कि मैं हारूंगी नहीं, अपने आप से प्यार, इस समय हम किसी की एनर्जी नहीं ले रहे, हम कह रहे हैं हम अपने आप से, यूनिवर्स ने बोला एंजल तुम्हारे लिए माँ भगवती तुम्हें क्या मैसेज देना चाहती है, माँ भगवती कह रही है कि तुम खुद से प्यार करो, तुम्हारे लिए बहुत से रास्ते खुलेंगे। अगर बाहर जाना चाहते हो ना, अगले 5 महीने के अंदर अंदर, अगले 5 हफ्ते के अंदर अंदर वीजा लगेगा और जाओगे बाहर। एलिमेंट ऑफ सोर्स, अपने आप को बिल्कुल हल्का फील करो, उन सब चीजों से निकल जाओ जिनमें तुम्हारा दम घुटता है, उन चीजों से निकलो। एलिमेंट ऑफ पेंटिकल, जिन लोगों ने बहरूपियों की तरह रंग बदला, गिरगिट की तरह रंग बदला, माँ भगवती उनको खुद देखेगी। नोवल ऑफ सोर्स, इस अकेलेपन से बाहर जाना है अब आपको, आपकी जिंदगी की नई शुरुआत माँ भगवती कर रही हैं। सिक्स ऑफ सोर्स, धोखेबाज लोग खुद चले जाएंगे तुम्हारी जिंदगी से अब दूर, या तुम ही जाने वाले हो उनसे दूर।
ब्लैक मैजिक कर करके जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया है, माँ भगवती जानती है कि तुमने तो किसी को दुख नहीं दिए। अब माँ भगवती उनको कोर्ट कचहरियों में भी घसीटेगी, उनपे ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगेंगे, ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगेंगे कि उनको कोर्ट कचहरियों तक कोई ना कोई ले जाएगा। एस ओ वैंड, तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आपको किसी से कुछ गलत नहीं बोलना, आपने अपनी मंजिल अपने मन में बनानी है और जीत हासिल करनी है। तो ये थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, अपने ऊपर फोकस करो, दूसरा तीसरा इंसान क्या कर रहा है कुछ मत सोचो। जस्टिस का कार्ड है, तुम्हें जस्टिस मिलेगा। माँ भगवती का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि तुम्हें जस्टिस मिलेगा। 10 स्टार का कार्ड है, तुम अपनी जिंदगी में कभी हारोगे नहीं, तुम्हें जीत मिलेगी। तुम्हें लोगों ने दुख दिए, तुम्हारे अगर काले ब्लैक मैजिक कर करके किसी ने किसी को नहीं रहा कोई दुनिया में, आपको बड़ा दुख है, तो उनकी भी ब्लेसिंग आपके साथ है और वो हर समय यूनिवर्स से आपके लिए ब्लेसिंग मांगते हैं। अब आज से आपने रोना नहीं है, बी स्ट्रॉन्ग बनना है। माँ भगवती आपको जस्टिस दिला रही हैं। आप सिर्फ खोज करो उस प्रभु की, उस गुरु की, जो आपको खुद से खुद को मिला दे। ओके विज, बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।